Now we'll take a few questions on the concept that we have learned regarding cubic polynomials. So, pehla question hai, find a cubic polynomial with sum of its zeros, sum of product of zeros taken two at a time and product of zeros as 2, minus 7 and minus 14. Matlab, hame cubic polynomial ek batani hai, jiske sum of zeros 2 ho, sum of product of zeros taken two at a time minus 7 ho, or product of all the zeros is minus 14. As we have learned, seedha sa formula hai, x square minus, rather x cube, sum of zeros into x square plus sum of product of zeros taken two at a time, into x plus product of zeros. तो अगर हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम ऑफ जीरोस भी पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स जीरोस भी पता है, तो स्ट्रेट अवे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. तो क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, टू, टू एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम क्या है, माइनस सेवन, तो प्लस ऑफ माइनस सेवन एक्स. और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस क्या दिया है, माइनस 14. Therefore, answer is x cube minus 2x square minus 7x minus 14. ये वो polynomial है cubic जिसके जब हम zeros निकालेंगे तो उनका sum क्या आएगा, 2 आएगा. उनके zeros का दो दो करके product करके sum करेंगे तो क्या आएगा, minus 7 आएगा. और उनके तीनों zeros को अगर हम multiply करेंगे तो क्या आएगा, minus 14 आएगा. तो this is our required polynomial, cubic polynomial. ठीक है. Second question, if the zeros of this polynomial are this, this and this, find a and b. मतलब हमारे को एक cubic polynomial दिया, तो हम पहले let कर लेते हैं, let px is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1. अब ये जो polynomial दिया है cubic, इसके तीन zeros होंगे, और वो zeros भी दे रखे हैं, a minus b, a और a plus b. हमको a और b की value चाहिए, ठीक? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या use कर लें? सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, माइनस बी बाय. नाउ इफ यू कंपेयर योर क्यूबिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड वन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है. बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3 है. सी की वैल्यू क्या है, 1 है. और डी की वैल्यू क्या है, 1. ए बी सी डी क्या है, ए है कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स और डी क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ. तो जो हमारे तीनों जीरोस हैं उनके सम की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ बी क्या है, माइनस 3 अपॉन ए क्या है, 1. मतलब अगर हम तीनों जीरोस को अपने जोड़े तो उनका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा. तो ये हमारे तीन जीरोस हैं, हम जोड़ देते हैं ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, उनका सम क्या आएगा, 3 आएगा. तो बी से बी कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 3a इज इक्वल टू 3, यानी ए की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या आ गई, 1 आ गई. ठीक है, अब हमें b चाहिए, तो b के लिए हम क्या यूज कर लें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस की वैल्यू क्या होती थी, c बाय रादर माइनस d बाय माइनस d बाय a. तो माइनस ऑफ d क्या था, d हमारा 1 है और a भी क्या है, 1. मतलब अगर हम तीनों जीरोस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस 1 आएगी. तो हमारे तीन जीरोस क्या है, a माइनस बी है इंटू ए इंटू ए प्लस बी, जिसमें कि a की वैल्यू भी ऑलरेडी नो. तो क्या लिखते हैं, a की जगह 1 माइनस बी इंटू ए इज 1 इंटू 1 प्लस बी इज माइनस 1. तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज माइनस 1. तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, वी टेक बी स्क्वायर टू दिस साइड माइनस 1 टू दिस साइड, तो 1 प्लस 1 यानी 2, यानी b कितना आ गया, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट. ठीक है, ठीक है. तो ए की वैल्यू भी हमें मिल गई और बी की वैल्यू भी मिल गई. ठीक है, वी कुड ऑल्सो हैव यूज्ड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम, वो भी हम कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी होता. उसमें हम क्या करते, दो दो का प्रोडक्ट लेते, ए माइनस बी को ए से करते, फिर एड करते ए माइनस बी को ए प्लस बी से, फिर क्या करते ए इंटू ए प्लस बी करते, इसकी वैल्यू क्या आती, c बाय c हमारा क्या था, 1 था, a क्या था, 1 था. तो
इससे भी हम निकाल सकते हैं, a हमें ऑलरेडी नोन है 1, तो 1 माइनस b इंटू 1, तो 1 माइनस b, 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b, 1 माइनस b स्क्वायर, और 1 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 आता। तो यहाँ से क्या आता, ये माइनस b और प्लस b गेट्स कैंसल्ड, 1 प्लस 1 प्लस 1 t माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 1 इज वॉट b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना आ गया 2, तो b कितना आ गया प्लस माइनस 2। You could have also used this method rule, पर वो थोड़ा सा difficult पड़ता है, ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, next question, find a cubic polynomial whose zeros are given। अब ये तो बहुत ही आसान है, अब तो straight away में zeros ही दे दिए उन्होंने, तो formula तो हमें पता ही है, x cube minus sum of zeros into x square plus sum of product of zeros taken two at a time into x minus product of all zeros। ये वो polynomial होगा क्यूबिक जिसके zeros हमें पता है, x cube minus what is sum of zeros, तीनों zeros का हम sum कर दें, x square plus दो दो का प्रोडक्ट और उनका सम, 3 इंटू हाफ किया प्लस हाफ इंटू माइनस 1 किया प्लस माइनस 1 इंटू 3 किया टाइम्स एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, तो 3 इंटू हाफ इंटू माइनस 1, तो क्या आएगा एक्स क्यूब, इफ यू सॉल्व दिस क्या होगा 3 टू द 6 और ये कितना होगा 2, 6 माइनस 2 इज 4, 3 टू द 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2 इज 5, 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस अब ये कितना होगा 3 बाई 2 माइनस हाफ यानी 2 बाई 2 यानी 1, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस 1 3 बाई 2। नाउ यू कैन टेक द एलसीएम इन दिस, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 अपॉन जो 2 है वी कैन गेट रिड ऑफ इट, क्योंकि वो k है, वो हम k की तरह ट्रीट करेंगे, वो मतलब ये जो हम ये 2 लिख रहे हैं ये हम लिखे ना लिखे हमारा पॉलिनोमियल तो यही रहेगा, तो नीचे जो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं विल मेक नो डिफरेंस टू इट, तो हम सिंपल एलसीएम लेके जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसे खत्म कर देंगे एंड दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यू कैन ऑल्सो कोट योर आंसर एज दिस, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What real number should be subtracted from this polynomial so that 3x minus 2 divides it exactly? मतलब पहले तो हम इस polynomial को कुछ नाम देते हैं, fx is 3x cube plus 10x square minus 14x plus 9, ये हमारा एक polynomial है। The question says what real number, इसमें क्या real number हम subtract कर दें जिससे जो polynomial बनेगा subtract होने के बाद That is divisible by 3x minus 2. इस polynomial को ये divide कर रहा है exactly, मतलब 3x minus 2 इसको let पहले तो लिखते हैं let k is subtracted. वो real number हमने k मान लिया and that is being subtracted. तो हमारा polynomial क्या बन गया 3x cube plus 10x square minus 14x plus 9 minus k. ये हमने px मान लिया नया polynomial. ये polynomial is being exactly divided by this. 3x minus 2 इसको exactly divide कर रहा है, मतलब 3x minus 2 इस polynomial का क्या बन गया है factor बन गया। अगर 25 को 5 divide कर रहा है तो 5 इसके लिए क्या है factor है और 25 5 के लिए क्या है multiple है, तो इसका मतलब 3x minus 2 is a factor of px। अगर ये factor है तो इसका मतलब इसको divide करेगा और remainder 0 आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा मतलब यहां से हम क्या निकाल लें 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया 2 बाई 3, 2 बाई 3 इसका क्या बन गया px का 0 बन गया, तो अगर 2 बाई 3 0 बन गया तो इसमें रखने पे हमें आउटपुट 0 मिलना चाहिए, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्म में, कि अगर 3x माइनस 2 या फैक्टर थ्योरम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, 3x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, इट मींस p 2 बाय 3 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी,
विच सिंपली मीन्स कि पॉलिनोमियल में 2 बाई 3 सब्सटीट्यूट करके इक्वल टू 0 कर दें, तो 3 इंटू 2 बाई 3 का क्यूब, 10 इंटू 2 बाई 3 का स्क्वायर, माइनस 14 इंटू 2 बाई 3 प्लस 9 माइनस के वुड गिव यू 0। सिंप्लीफाई करिए, 3 इंटू 8 बाई 27 प्लस 2 टू द 4 इंटू 10, 40 बाई 9 माइनस 28 बाई 3 प्लस 9, k को हम उस साइड ले जाएं तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी स्ट्रेट अवे, 31 था 39 था, तो कितना हो गया 40 प्लस 8, 48 बाय 9, विल टेक 9 एज एलसीएम, 48 बाय 9, और यहाँ पे क्या होगा 33 था 9, तो 3 इंटू 28 इज 84 प्लस 9 9 था 81, दिस विल गिव यू k, तो कितना हो गया 84 में से 81 गया माइनस 3, 48 माइनस 3 इज 45, 45 बाय 9 इज 5, मतलब हम क्या रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करें इसमें, 5 अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें अपने पॉलिनोमियल में, तो जो पॉलिनोमियल आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3x माइनस 2, मतलब जब हम उसको 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे।